हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो आज जो है हम सुबह के 6:30 बजे मॉर्निंग करने निकले हैं डीक्रेस्ट यूनिवर्सिटी में। सो पापा भी साथ में हैं और यहाँ पे मॉर्निंग में वॉक करने का मज़ा अलग ही कुछ और होता है और काफ़ी अच्छे ग्राउंड्स वगैरह भी है, आप यू नो रनिंग कर सकते हो और इक्विपमेंट्स भी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो आज हम आपको वो दिखाएंगे। सो मॉर्निंग कैसी रहती है डीक्रेस्ट में लोगों की, तो वो हम आपको दिखाएंगे आज। और लोग सैर भी करते हुए दिखेंगे आपको कुछ, लेकिन अब थोड़े लेट हो गए, 6:30 लोग 5:30 बजे तक कर लेते हैं सैर। सो आपको दिख रहा होगा, अभी सुनाई दे रहा होगा पक्षियों की आवाज़ आ रही होगी अभी, तो यहाँ पे पक्षियों की आवाज़ मोरों की आवाज़ से सुबह होती है। ये देख रहे हो मोर, दो मोर सामने मेरे, चार, वो देखो काफ़ी सारे मोर हैं। थोड़ा 5 से दिखाए, 5 से उड़ना चाहे, भाग गया, देखो भाग गया। हम पास गए, भाग गया। ये रहे हमारा शॉपिंग सेंटर। तो कितने बजे खुलता है पापा शॉपिंग सेंटर? अभी तो सारी दुकानें बंद है। 9 बजे के आसपास। 9 बजे के आसपास फ्रूट्स वगैरह की भी? फ्रूट भी 9 बजे। अच्छा, कन्फेक्शनरी वाली 9:30 तक। ओके गाइज, अब देख रहे हो कितनी शांति है, सिर्फ पक्षियों की आवाज़, नो हॉर्न, शोर शराबा जैसे स्टार्ट हो जाता है गुड़गांव में तो 6:30-7 बजे ही, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना, मतलब होता भी नहीं होगा पूरे दिन। ये सामने हमारा जिम, ये खुला होगा अभी, देखते हैं आज अगर जिम में देखते हैं सुबह सुबह। अच्छा, तो मतलब फीस कितनी है यहाँ पे? फीस कितनी है गाइस? ये रहे हमारे चार्जेस, मंथली चार्जेस स्टूडेंट के हैं 100 रुपीज़, क्वार्टरली 250, 450, फिर 750 एनुअली, फिर अलग अलग जो आउटसाइडर्स होते हैं और जो स्टाफ के मेंबर्स होते हैं उनके अलग हैं। सो शूज उतार के चलते हैं अंदर। सो आंटी जी इस एज में भी देखो कितने अच्छी तरह से अपने ख्याल रख रही है और एक्सरसाइज कर रही हैं। अगर इस उम्र तक करेगी तो आगे सही चलेगी। भाई मैं अपने घुटनों की वजह से करती हूं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये घुटनों के लिए तो बहुत अच्छी चीज है। हां, मेरे काफी आराम है। शुरू में था या इतने छोटे विद्यार्थी के लिए कभी जाते। अच्छा, हमारे सुरेंद्र जी यहां पे ट्रेनर है। अच्छा, यहां पे ट्रेनर है, देखते हैं, संभालते हैं। अच्छा, तो सर यहां पे सारे इक्विपमेंट्स होंगे? सारे ही हैं जिम का इक्विपमेंट्स। लाडो तो भी करेगी यहाँ पे आके। ये लेडीज का अलग है या वही सेम ही है? ये अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा, टाइमिंग है, मतलब करते तो यहीं पे ही एक्सरसाइज करते यहीं पे है। तो 5 से 7 7 से 9 लेडीज का। ओके गाइस, कौन से ब्रांच के हो यार आप? अच्छा, कौन सी ईयर के? थर्ड ईयर के हो? करो करो, सही है गाइस, सारे इक्विपमेंट्स है ऑलमोस्ट यहाँ पे, सारी मशीन्स है एक्सरसाइज के लिए और स्पेस भी सही है, ऐसी बात नहीं है, स्पेस काफ़ी सही है। स्पेस वाइज अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा स्पेस भी है, आप इजीली एक्सरसाइज कर सकते हो। तो गाइज, ये बैडमिंटन हॉल है, सो देख पा रहे हो बैडमिंटन भी खेल रहे हैं। ओपन में भी है, ओपन में थोड़ा सही है, बेंच प्रेस वगैरह। हाँ, सो गाइस अब हम ऊपर जा रहे हैं। ये रहा योगा रूम, ये है मेन तो योगा रूम। ओके, ये मैट्स भी रख रखे हैं।
तो इसके भी इंक्लूडेड रहते हैं जिम की फीस के अंदर ही? इंक्लूडेड ही है, जिसको योगा करनी है वो योगा कर ले। ओके गाइस, ये रे योगा आसन एंड योगा इज़ वेरी गुड फॉर आर हेल्थ, वी शुड डू एटलीस्ट हाफ एन आवर योगा डेली। अभी तो आवाज़ गूंज रही है हमारी, ऐसी लग रही है, और बाहर ही ओपन स्पेस हो गया हमारा टेबल टेनिस का एरिया। 1 2 3 4 चार टेबल टेनिस है यहाँ पे। नहीं बढ़िया यार, ये भी बस ये यहाँ पे बिलियर्ड्स। ये वॉशरूम्स हो गए, ये पानी का एरिया। अच्छा जिम में कम से कम भी 300-350 बच्चों की। ओके अच्छा, ओके। कुछ इवनिंग में आना पसंद करते होगे, कुछ मॉर्निंग में? सुबह जाते हैं 50 बच्चे। ओके हाय, खुश हो रही है, जिम करेगी वो देखो। थैंक यू। ये सुरेंद्र जी यहाँ पे ट्रेनर हैं, इन्होंने पूरा हमें दिखाया, जिम भी, योगा सेंटर भी एंड टेबल टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, एवरीथिंग। सो थैंक यू सो मच सर, और काफ़ी अच्छा आपने मेंटेन करके रख रखा है एंड काफ़ी अच्छा ट्रेन करते हो आप। थैंक यू सो मच। तो गाइज, अब हमने जिम तो देख लिया, अब हम थोड़ा और ग्राउंड में चलते हैं एक बारी। वो वाला ग्राउंड बताओ पापा, कितना बड़ा ग्राउंड है वो? वो है नियर अबाउट 2 किलोमीटर का है। 2 किलोमीटर जितना लंबा ग्राउंड। ये हमारा बास्केटबॉल कोर्ट। सो ये बास्केटबॉल कोर्ट पापा, मतलब इसके अंदर कुछ होते हैं, कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं? नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन होते हैं। अच्छा, बाहर से टीमें आती हैं। ओके है भी तो काफी बड़ा, मतलब कितने हैं बास्केटबॉल? 1 2 चार कोर्ट बने पड़े, लेडीज 2 जेंट्स। ओके ये लेडीज के हैं। अच्छा स्मॉल, ये लेडीज के और वो ऊपर वाले हाइट वाले जेंट्स के। फुटबॉल नहीं है, फुटबॉल कोर्ट भी है, ये जो लगे पोल लगे हुए फुटबॉल। अच्छा फुटबॉल वो लगे, लेकिन ये थोड़ा मतलब मेंटेन नहीं कर रखे। हॉकी कम अच्छा होते हैं यहाँ गेम। अच्छा लाइब्रेरी है और एक हाँ, ये तो देख रखे हमने, लाइब्रेरी एंड ऑडिटोरियम एंड ये रहे हमारे टीचिंग ब्लॉक्स। ये वॉलीबॉल उसका है। ओके वॉलीबॉल का है यहाँ पे, ठीक है। मतलब उस साइड की घास काट रखे, मतलब इस साइड की नहीं कर रखी है। लाडो कैसे लग रहे है? सुबह सुबह घूम के कैसे लग रहा है यूनिवर्सिटी में? हाँ हाँ, तो ये हम आ गए हॉस्टल। तो ये तो पूरा मतलब वही ग्राउंड का हम चक्कर काट रहे हैं ना, पर 2 किलोमीटर ही है ना पूरे, वही ग्राउंड का। देखो गाइस सब देख सकते हो, ये एरिया बना रखा है अपना रनिंग के लिए, तो पूरा ये 2 किलोमीटर तक बहुत पूरा घूम के आते हैं लोग डेली। यहाँ पे 2-3 चक्कर तो लगा ही लेते होंगे पापा, है ना? यहाँ का सुबह सुबह का एक चक्कर भी लग जाए ना तो बस अपना रूटीन सही है। लग जाता है अकेले ना, आराम हाँ। से चल के दौड़ के तो 15 मिनट में हो जाएगा हाँ। और पैदल चल पैदल चल के आधे घंटे में घर से, मतलब घर से चलता हूँ आधे घंटे 35 मिनट में घर पहुँच जाता। ओके जस्ट इसके सामने सीधा हमारा है बॉयज हॉस्टल। सो ये रहा हॉस्टल से सीधा पाथ बना रखा है कॉलेज तक का, क्लासरूम तक जाने के लिए। देख रहे हो जैसा आप यहाँ पे योगा भी कर रहे हैं लोग बैठ के। नमस्ते राजेंद्र, कैसे हो अंकल जी? नमस्ते, ठीक हो? और ठीक हो जी, बड़ी दूर आके योगा कर रहे हो? चलो ठीक, अच्छी बात है, करना चाहिए। ये मतलब ये ही रनिंग है आज, 400 मीटर और 1600 मीटर की जो रेस होती है ना, ये पे जो ये ऐसे ये पूरा पाथ है, ये मतलब ये थोड़ा क्लीन भी लग रहा है और यहाँ पे बंदा कर सकता है। हो गया हमारा एग्जिट। सो बॉयज़ हॉस्टल से सीधा शॉर्टकट का रास्ता है ये, सीधा आपको कॉलेज पहुंचा देगा, क्योंकि अगर आप रोड से जाओगे तो काफ़ी लंबा होगा, इससे बढ़िया इसलिए ये पाथ बना दिया ताकि आप इजीली एंटर कर सको और आपका टाइम सेव हो सके।
ईयर एकेडमिक ब्लॉक्स, सेंट्रल वर्कशॉप, कंप्यूटर सेंटर एंड लाइब्रेरी, साइड ही है सारे। एंड ये एरिया को तो आप जानते होंगे, ये आपने देखा होगा, ये अब आ गए हमारी यूनिवर्सिटी पूरी। क्या अच्छा, ये सेंटर में आपको हेलीपैड दिख रहा होगा, ये रहा बना हेलीपैड का। गाइस ऑलमोस्ट हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और सारी चीज़ें देखा है डीक्रेस्ट में। घर पे जाने से पहले हम यहाँ पे थोड़ी देर घास में चलेंगे पापा के आगे जो गार्डन है, क्योंकि घास पे चलने से काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। घास पे चल रहे हैं और इट इज़ वेरी गुड कि आप नंगे पैर घास में चलो सुबह शाम, तो आपकी आईज काफ़ी अच्छी रहती हैं इससे। और ये पानी डाला गया पापा या अपने आप ही? ओस है, ये रात में ओस। ओके, जहाँ से हम चल रहे हैं वहाँ से लाइन भी बन रही है एक इस तरीके से। सो गाइज मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा आज यूनिवर्सिटी घूम के, इतना अच्छा एनवायरनमेंट लगेगा, इतनी अच्छी वाइब्स आएंगी, नो पॉल्यूशन लगा कि यार मॉर्निंग वॉक हो जाए ना तो पूरा दिन अच्छा रहता है और पूरे दिन एक्टिव फील करता है बंदा। बिल्कुल सही बात। तो अभी हम दोनों एक्टिव फील कर रहे हैं, हम थके नहीं बिल्कुल भी, हमें ऐसा लग रहा है थोड़ा और घूमना चाहिए। पापा ने लाडो को इतनी देर से उठा रहे हैं, पापा थके नहीं। सो लाडो भी सो रही है आराम से, तो होना चाहिए, सुबह सुबह घूमना चाहिए हमें।